हाउ आर यू भागी जी वेरी गुड सबसे पहले तो 75 साल कंप्लीट हो गए हैं राश्री को जी क्या कहना चाहेंगी इस पर आप हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे तो आ, कहना ही पड़ेगा और बहुत-बहुत मुबारक हो uh, 75 इयर्स अ बिग नंबर मतलब आ, उस जमाने की प्लैटिनम जुबली <laughs> जब मैंने सुमन बोला तो सबसे पहले क्या याद आया आपको मैंने प्यार किया <laughs> कुछ यादें बताना चाहें किस तरीके से सुमन तक की जर्नी रही है भागीश्री किस तरीके से सुमन बनी अगर उनकी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से सुमन तो सूरज जी के रोम रोम में बसी थी तो आ, जब उन्होंने मुझे देखा तब उन्होंने बिना ऑडिशन बिना कुछ कहा कि बस तुम मेरी सुमन हो तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि एक्चुअली मैं इस लाइन में ज्वाइन ही नहीं करना चाहती थी मैं फिल्में नहीं करना चाहती थी आई वॉन्टेड टू स्टडी आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड और uh, सूरज जी और घर uh, पर आए उनके पिताजी आए uh, मेरे पिताजी को कन्विंस किया uh, राजकुमार जी ने बहुत बहुत uh, मतलब आश्वासन दिया okay. मेरे फादर को कि uh, बिल्कुल बच्ची की तरह सेट पे रखेंगे एंड uh, जो उन्होंने निभाया okay. भी पर uh, सूरज जी ने कन्विंस कर लिया और मैंने उनको ना बोलने की बहुत बहुत कोशिश की मतलब हर वक्त वो आते थे पूरी कहानी मुझे सुनाते थे और मैं उनको कहती थी कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन वो मेरा लेकिन तो कभी रुका ही नहीं पर फाइनली uh, जब वो फ़ाइनल स्क्रिप्ट लेकर आए तब uh, मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट सुनते सुनते बहुत इमोशनल हो गई और uh, उन्होंने कहा बस मैंने अपनी सुमन को देख लिया है तो यही है मेरी सुमन और रेस्ट इज हिस्ट्री <laughs> चल रही है <laughs> सो so, पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपको इस किरदार के बारे में बताया गया कि सुमन नाम का एक कैरेक्टर है जो इतना सिंपल सा कैरेक्टर है लेकिन आपने जो उस कैरेक्टर को जो पकड़ा है व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आप तक ये किरदार पहुंचा वेल well, एक्चुअली सुमन और भाग्यश्री एक ही है फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट सुमन के लिए भी वही yeah. था और uh, उस वक्त से लेके अब तक मेरे ख्याल से ना लोगों को ना मुझे समझ में आया कि मैं सुमन के अंदर ढल गई या सुमन मुझ में घर सूरज जी ने किस तरीके से कन्विंस किया आपके फादर को नहीं वो तो कन्विंस थे कन्विंस अच्छा। मुझे ने करना ने। था हाँ। कपड़ों के बारे में रोमांटिक सीन्स के बारे में आ, शूटिंग के बारे में टाइमिंग के बारे में क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी उस वक्त में जाना भी नहीं था बिल्कुल भी नहीं और मैं कॉलेज में थी और मैंने उनको कहा कि एग्ज़ाम के टाइम मैं शूटिंग नहीं करूंगी कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करूंगी तो बकायदा उन्होंने शूटिंग उस हिसाब से रखी कि उस वक्त मेरा मॉर्निंग कॉलेज था अच्छा। तो सात से लेके कर बारह मैं कॉलेज अटेंड करती थी उसके बाद मैं शूटिंग शुरू करती तो सारी शर्तें उन्होंने मान ली तो ना कहने का सवाल ही नहीं हुआ फिर आप क्या क्या तैयारी करी आपने इस कैरेक्टर के लिए उस वक्त में तैयारी तो एक्चुअली स्पीकिंग तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं थी इट वॉज़ अ कैरेक्टर उस वक्त जो हम सब चाहते हैं कि uh, हमारे घर में ऐसी ही बेटी हो ऐसी बहू हो ऐसी ही बहन हो, हो ऐसी ही माशुका हो ये हम सब चाहते थे बहुत याद आओगे बाबा बहुत याद आओगे मैं यहीं रहूँगी यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी वहाँ शहर में किसी को भी तो जानती नहीं मैं आजकल दौर बदल गया है लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से जो किरदार उन्होंने सोचा था वो बस वही था जो क्या कहूँ परफेक्ट <laughs> 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 बट लेकिन जब उस वक्त आप शुरुआत कर रहे थे आप तीनों ने करियर की शुरुआत करी थी सूरज जी की पहली फिल्म थी एंड सलमान खान की पहली फिल्म थी आपकी भी पहली फिल्म थी तो उस वक्त ये सोचा था आपने कि लोग इतना प्यार देंगे और लोग आज तक उस फिल्म को इतना प्यार देते हैं नहीं कभी ये सोचा भी नहीं था आई थिंक उस वक्त बस फिल्म कंप्लीट करनी थी शूटिंग में सब लोग मसरूफ़ थे और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी सूरज जी मेरी सलमान की तो फिल्म ख़त्म होने के बाद क्या होने वाला है ये किसी को, नहीं किसी को पता नहीं किसी को फिक्र भी नहीं थी किसी ने सोचा भी नहीं था ये था कि भाई आज शॉट अच्छा देना है Uh, सूरज जी को खुश करना है रीटेक नहीं देना है बस इसी में हम लोग खुश थे सो आई थिंक पूरी फिल्म मेरे ख्याल से तीन से ज़्यादा शॉट कोई रीटेक हुआ ही नहीं है पूरी फिल्म के अंदर सो आई थिंक इट वॉज़ पूरी फिल्म में, पूरी फिल्म में मतलब uh, ना तो इतनी रिहर्सल होती थी ना तो रीटेक होते थे और uh, हम लोग बस तैयारी करके आते थे कि बस सूरज जी खुश हो जाए हमारी शॉट से बस <laughs> ओके okay, uh, तो अगर पहले सीन की अगर मैं बात करूं तो क्या पहला सीन था और शूटिंग का पहला दिन कैसा था आपका शूटिंग uh, के पहले दिन घर से निकली तब नर्वस थी पर उस वक्त ना कैमरा की आवाज़ होती थी जब एक्शन बोलते थे और कैमरा शुरू हो जाता था तो करके आवाज़ आती थी उसमें हम लोग सब खो जाते थे तो आई डोंट थिंक नर्वसनेस कैमरा शुरू होने के बाद था इट वॉज ओनली बिफोर रहा पहला दिन हम लोग मंदिर में शूटिंग कर रहे थे रात का वक्त था शाम का वक्त था दिल भगवान की ब्लेसिंग्स ही थी सो इट वाज अ ब्यूटीफुल माहौल और uh, सूरज जी का परिवार था मेरा परिवार था सो इट वाज ब्यूटीफुल आई मीन इट वाज इट वाज लाइक ब्लेसिंग्स देयर ओके अगर यादों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा क्या याद आता है आपको उस सेट का या उस फिल्म के दौरान की गई हुई जो भी बातें या यादें जो भी हो, आप बताना चाहें पिजन कबूतर हैंसम जो कभी सलमान के पास गया नहीं

बहुत नट और बहुत शरारती मतलब एक एक आई थिंक नॉट वन सीन में जहाँ पर वो किसी के टांग नहीं खींचे या कोई मजाक मस्ती नहीं करे और सबसे ज़्यादा डांट भी उन्होंने ही खाई सूरज जी से पर माहौल बहुत ही अच्छा था और जैसे मैंने कहा कि हम लोग सब दोस्त बन गए थे शूटिंग के दौरान तो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था जितने भी सीन्स हैं सारे सीन्स बहुत ज्यादा अच्छे निकल कर आए हैं लोग आज तक उस फिल्म को प्यार देते हैं आपके अगर मैं बात करूं तो आपका फेवरेट सीन कौन सा है फुल फिल्म में hmm. जहाँ जो आपको लगा है कि शायद ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था करना बहुत डिफिकल्ट yeah, था और एक फेवरेट ओके okay, बहुत डिफिकल्ट सीन तो वो था जहां पर कबूतर जाजा वाले गाने के बाद जो एंड में मुझे सलमान को हक करना है दैट was द मोस्ट डिफिकल्ट सीन फॉर मी क्योंकि उसके पहले एक्चुअली स्पीकिंग कोट स्कूल के बावजूद और बॉयफ्रेंड होने के बावजूद आई हैड नेवर हैड दैट मच इंटरक्शन विद अनदर मैन तो किसी को जाके ऐसे पकड़ना या जकड़ना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मतलब वो सीन जब सूर्य जी ने सुनाया तब मैं बस रोने लगी मतलब मैं सिर्फ उनके नहीं कर पाऊँगी नहीं मैंने कहा कुछ नहीं मैंने मैं सिर्फ देखी और टप 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 पाकसू गिरने लगे तो उन्होंने क्या क्या हुआ मैंने कहा कुछ नहीं अबाउट टर्न करके जाके मेकअप रूम में बैठ गई और रोना चालू तो थोड़े टाइम के बाद सूरज जी आए बोले क्या हुआ मैंने कहा नहीं कर पाऊँगी सर फिर सलमान आए बोले क्या हुआ नहीं हो पाएगा मुझसे तो बोले क्या नहीं हो पाएगा कुछ नहीं है खाली यहाँ से भाग के आने का है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ नहीं सर मैंने ये कभी लाइफ के अंदर नहीं किया मैं कैसे कर पाऊंगी ये तो करीबन आधा घंटा शूटिंग रुकी एक तरफ सूरज जी नीचे मेरे पैरों पे एक तरफ सलमान मेरे साथ और दोनों जन सिर्फ ऐसे एक टाइम नहीं कर लेते हैं आप देख लो आपको नहीं पसंद आया तो फिर निकाल देते फिर कुछ और ट्राई कर लेते पर कोशिश तो करो <laughs> <laughs> तो आ, हाँ वो सीन जी. उस वक्त ऐसा आ, हुआ और फेवरेट वाला आ, फेवरेट वाला तो ऑफकोर्स अंताक्षरी की शूट थी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि इतने सारे लोग थे और अफकोर्स कोर्स लक्ष्मीकांत जी थे जो बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे सेट पे भी बहुत हम लोगों को हंसाते थे और उस वक्त सलमान और मेरा कुछ नोक झोंक हुई और सलमान मुझे छेड़कर भाग गया और सेट पे ना एक सीढ़ी थी ऐसे हम तो चले जाते जाते बहुत जोर से गिर गए और मैं हंस के बोली होता है होता है क्योंकि आप मुझे छेड़े देखो आपको लग गई तो वो होता है होता है सुनकर सूरज जी ने कहा बस ऐसे ही होता है होता है कहने का और होता है होता है बिकेम फेमस yeah. सुनो चाय पियोगे अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो शादी के बाद अरे देखो गिर गया ना नहीं नहीं आंटी जी होता है होता है हाँ, अब अब हम जाके है। देखा सुमन, नवाब साहब के के लिए दुल्हन तलाश करनी पड़ेगी, वो भी इनकी पसंद की। अमेरिका रहकर आया ना? फिल्म के तो सारे डायलॉग हिट हुए हैं। दोस्ती का एक, एक दर्शकों को बता दें दोस्ती का एक सॉरी नो थैंक यू ओके दोस्ती का एक नो थैंक यू ओके ये वायरल हो गया ये ये आज तक लोग इस बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद में फिल्म रिलीज हो गई अब इसके बाद में क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले क्या रिस्पॉन्स था उसके बाद में आ, उसके बाद एक्चुअली इट वॉज सरियल क्योंकि मुझे पता भी नहीं चला कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई मेरी शादी हो गई थी एक बच्चा हो गया था तो एक अलग दुनिया में मैं मसरूफ हो गई थी मैं बाहर जाती तो पब्लिक घेर लेती आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम दिन के वक्त मैं कहीं नहीं जा सकी मैं मेरे बच्चे के लिए एक सेफ्टी पन भी नहीं खरीद सकी ना तो डाइपर ख़रीद सकी uh, उस वक्त एक स्टोर बेंज़र आई थिंक हुआ करता था टाउन में दैट वॉज दी ओनली स्टोर जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती थी बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े मिलते थे तो मैंने कहा भाई मैं जाके ख़रीदूँ मेरे बच्चे के लिए उस वक्त पूरी दुकान की तोड़ फोड़ हो गई और उन्होंने कहा प्लीज़ आप हमारी दुकान से चले जाइए कुछ मत खरीदिए हमारी दुकान का नुकसान हो गया सो दैट वॉज द काइंड ऑफ यूफोरिया दैट हैपेंड आफ्टर मैंने प्यार किया uh, और मुझे ये लगता था कि अरे इतनी बड़ी हिट हो गई लेकिन मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं खरीद सकती <laughs> तो uh, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा लोग था इतना प्यार था उसका हाँ uh, उस वक्त पोस्टमैन तो आ, लेटर्स लेके आते थे तो बोरा भर भर के अपने कंधों पे सेंटा क्लॉस की तरह लेके आते थे और दरवाजे पे रखते थे तो दिन की कम से कम दो बोरियां आती थी रोज़ रोज़ दिन की दो बोरियां आती थी और कोर्स दिवाली में तो पोस्टमैन तो लेके आते थे इतने सारे आ, मतलब ख़त भी आते थे और पोस्टमैन बोलते थे कि हम लोगों को भाई बख्शीस दो रोज जो बोरिया लेके आ रहे सो या इट वाज इट वाज अनबिलीवेबल मतलब आजकल ऑफ कोर्स दे आर सुपर स्टार्स और सोशल मीडिया हाइप से और बाकी सब के हिसाब से हमें समझ में भी आता है कि फिल्म कितनी हिट हुई या स्टार कौन है या कौन नहीं लेकिन उस जमाने में ये सब चीज़ नहीं थी सो इट वाज वेरी रियल वेरी ग्राउंडेड कहीं जाते थे तो uh, लोग आ, आके बेटी करके बुलाते थे बहू करके बुलाते थे तो एक अलग किस्म का प्यार था उस वक्त तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि, कि किसी का कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई जि जिसने आप उस फिल्म के बारे में बात की हो आप वो सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हो क्योंकि उस फिल्म के अंदर हमने सारे इमोशंस देखे हैं हमने उसमें प्यार भी देखा है हमने रोमांस भी देखा है दो परिवार के बीच में लड़ाई हो रही है फिर एक दोस्ती भी है दोस्ती का भी रिश्ता है हर तरह के हम इमोशंस देखते हैं उस फिल्म के अंदर कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हो किसी की बात सुनकर उस फिल्म को लेकर मैं आपको कह दूँ और पब्लिक को कह दूँ कि करीबन नाइन्टी एट परसेंट लोग जो मुझे आकर मिले हैं उस दौर में हम उम्र सब लोगों ने कहा है कि आपके वजह से हम लोगों ने शादी की तो मैं उन लोगों को पूछती हूँ कि शादी टिकी हुई है ना डिवोर्स तो नहीं हुआ क्योंकि सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि भाई आपके वजह से मैंने प्यार किया की वजह से हम लोगों ने शादी की क्योंकि सबको चाहिए थी सुमन जैसी सो आई थिंक इमोशनल तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही हो गई थी उस वक्त सो इट वॉज वन डायलॉग और वन थिंग लोगों का इतना प्यार था और इमोशनल तो मैं अब होती हूँ ये सोच कर कि इट्स बीन थ्री डिकेड्स तीस साल गुजर चुके हैं और आज भी लोग उतने ही प्यार से सुमन को देखते हैं इन सालों को किस तरह से देखते हैं आप? इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं आप? Uh, blessings है भगवान की और थैंक यू कहना चाहूँगी सूरज जी को कि उन्होंने कन्विंस किया कि मैं ये करूँ ताकि माई हिस्ट्री पार्ट ऑफ एम आज uh, मैं जो हूँ मेरे ख्याल से सुमन की बदौलत हूँ सूरज जी किस तरह के हुआ करते थे, थे उस वक्त सेट पर अगर कभी कोई सीन बताना बहुत ही शर्मीले बहुत ही शर्मीले मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उनकी जस्ट शादी हुई थी और मैं और सलमान उन्हें बहुत छेड़ते थे क्योंकि हनीमून तो दूर हम लोग ऊटी में शूटिंग करने गए थे तो बेचारी वनीता भाभी रोज़ टेबल सजा के उनका इंतज़ार करती थी और सूरज जी बस अपने एडीस के साथ लगे थे ये शॉट यहाँ पे रखो कैमरा यहाँ पर रखो इनको ये, ये करो जो स्पॉट्स है उनको ये बोलो तो हम लोगों का सबका खाना ख़त्म हो जाता था और विनीता भाभी खाली ऐसे वेट करती थी और हम लोग एक्चुअली बोलते थे सूरज जी को कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे और जब तक विनीता भाभी आपको खाना नहीं खिलाएगी हम लोग शूटिंग ही नहीं करने वाले कम से कम थोड़ा तो रोमांस करो आफ्टर ऑल मैंने प्यार किया कि शूटिंग चल रही है सो so, यस uh, yes. उटी में हम लोगों ने बहुत मजा किया और बहुत छेड़ा उनको बहुत ज़्यादा छेड़ा इनफैक्ट सर आपने अभी सलमान के कई सारे किस्से बताए उस वक्त के सेट के तब के सलमान में और आज के सलमान में क्या फ़र्क दिखती है अब कम हंसते हैं ऐसे लगता है मुझे मैं मतलब बहुत कम उनके फोटोग्राफ्स वगैरह देखती हूँ जहाँ पर दिल खोल के हंसते तो मैं जब भी मिलूंगी उनको ज़रूर पूछूंगी कि प्रेम भूल गए <laughs> प्रेम तो बहुत हंसता था आई थिंक मेजर डिफरेंस तो मुझे यही लगता है uh, उनकी जर्नी अलग uh, थी मैंने प्यार किया के बाद बहुत सारी फिल्में भी उन्होंने की तो आई uh, थिंक uh, एक इतनी सारी फिल्मों के बाद एक ठहराव जैसे आ जाता है जी। तो शायद उनमें वो है अभी अगर मैं गाने गानों की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म के अंदर ग्यारह गाने है? आपके कौन से फेवरेट सॉन्ग है उसमें अंताक्षरी तो सभी का फेवरेट है वो दौर चला था जब सब लोग अंताक्षरी गाते थे पर इस फिल्म का फेवरेट गाना ऑफ़ कोर्स दिल दीवाना बिन सजना के, दिल दीवाना बिन सजना के। और वो मुझे इसलिए बहुत प्रिय लगता है या फेवरेट लगता है क्योंकि इस गाने के शूटिंग के दौरान मेरी कुछ हालत ऐसे ही थी हम पर लोग पर शूटिंग कर रहे थे ऊटी में जी। और करीबन एक महीना हम लोग ऊटी में थे और हिमालय जी से मैं मिल नहीं सकी और सिर्फ सलमान को मालूम था कि हिमालय जी मेरी जिंदगी में है। अच्छा उनको पता था ये उनको ही पता था और वो मुझे भी नहीं पता था कि उनको पता है बट उनको कैसे पता था फिर uh, एक कॉमन फ्रेंड थे yeah. तो जिनसे uh, सलमान मिल चुके थे uh, एक कॉमन फ्रेंड थे तो सलमान उनसे सब जानकारी करके उठी आए थे और जब हम लोगों ने इस गाने की शूटिंग शुरू की तब सलमान नेवर फ्लोअविथ मी पर उस गाने के दौरान आके बैठते थे और ज़ोर ज़ोर से गाना मेरे कानों में गाते थे और उसी वक्त मेरे ख्याल से राजबाबू ने सूरज जी ने मीडिया बुलाई थी तो वहाँ के सारे रिपोर्टर्स और, और मुझे हो गया था टेंशन ना ही सिर्फ मेरे परिवार का और लोगों का पर यह भी टेंशन हो गया था कि हिमालय जी क्या सोचेंगे अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो और सलमान बस छेड़ने में माहिर तो शुरू थे दिल दीवाना बिन सजना के तो फाइनली मैंने उनका हाथ पकड़ा और लेके गए साइड में मैंने कहा क्या क्या कर रहे हैं आप मतलब कब से आपने कह दिया है हाँ मैंने कह दिया कि क्या कर रहे हैं आप सबके सामने ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है बोले मैं जानता हूँ मैंने कहा क्या जानते हो मैं सब जानता हूँ मैंने कहा क्या, क्या सब जानते हो <laughs> बोले हिमालय जी के बारे में तब हम लोग दोनों बहुत हंसे और हाँ बोले इसलिए तुम गाना बहुत अच्छे से कर पाओगी क्योंकि वहाँ का ये अंदर से फीलिंग आ रही है उस गाने के अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा दूसरा गाना कौन सा फेवरेट है आपका आई hmm. थिंक कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा जा तबूतर जा कबूतर जा, तबूतर जा। वो तो लोगों को भी बहुत पसंद है uh, उस गाने के शूटिंग के दौरान हमें बहुत मज़ा आ रहा था एंड दैट इज़ वाई इट्स माई फेवरेट क्योंकि uh, कबूतर पूरे uh, मतलब सेट पे घूमता था उड़ जाता था कभी शॉट बराबर नहीं होता था तो उस वजह से हम लोग सब हंसते थे कि जहाँ बैठना है वहाँ वह तो कभी नहीं बैठता था कबूतर सो या फंड के ऑफिस को लेकर क्या यादें हैं आपकी जब पहली बार गई थी तो क्या फील होता है जब आप वहाँ पर गई और क्या आपके दिल में चल रहा था उस वक्त uh, पहली बार तो साइन करने गई आई डेंट एनी ऑडिशन जैसे कहते हैं पर फिर बाद में लुक टेस्ट के लिए बुलवाया तब मेरा और सलमान का साथ में लुक टेस्ट था और अजीब बात है कि पूरे वो टेस्ट के अंदर एक भी डायलॉग नहीं था इट वाज जस्ट एक्शंस रिएक्शंस और वो ख़त्म हो गया और मुझे लगा कुछ डायलॉग होगा कुछ होगा तो एक सन्नाटा सा छा गया एंड एवरीवन सेड

तो so, अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ कुछ पुरानी यादों में हमारा सेगमेंट है कॉल्ड फोटो बूथ जिसमें मैं, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और आपको बताने का उस दिन आपके साथ में क्या हुआ था और आप किस मूड में थी okay. <laughs> या तो सबसे पहला ये फोटो है ये जा 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 वक्त जैसे मैंने कहा कबूतर सिर्फ मेरी बात सुन रहा था तो मेरे सारे शॉट बिल्कुल सही गए और जब कबूतर को चिट्ठी लेके भागनी थी तब वो भागकर वापस मेरे पास आ गया तो भागकर मतलब उड़कर वापस मेरे पास ही आ गया तो मैंने कहा मैंने प्यार किया कहा मैंने प्यार किया मेरे से ही सो दैट इज वॉट इजेंड इन दिस आई थिंक

दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी आई थिंक बहुत स्वीट सा डायलॉग था और स्पेशली hmm. uh, uh, इस वक्त लिया था जहाँ पर सलमान सो सपोज टू बी स्मोकिंग अ सिगरेट तो नो सॉरी हाँ तो एक्चुअली no हा, <laughs> तो क्या है कि नो सॉरी नो थैंक यू ये yeah. तो डायलॉग हुआ ही फेमस पर इसके साथ साथ में ये एक मैसेज भी गया पब्लिक को कि सिगरेट uh, पीना हानिकारक है सो आई थिंक सारी जो एल्डर uh, जनरेशन थी वो बहुत खुश हो गई कि ये मैसेज गया पब्लिक को कि भाई सिगरेट नहीं पीनी चाहिए सोशल मीडिया पे जब ये वीडियोस वायरल होते हैं या जब इन पर रील्स बनाई जाती है तो so व्हाट्स क्या हो क्या रिएक्शन होता है आपका सबसे पहले क्या आता है आई फाइंड इट वेरी क्यूट आई आई मीन इट्स सपोज टू बी फनी एंड या सो वी ऑल लाफ अबाउट इट अच्छा लगता है कि लोग Uh, पुराने डायलॉग को लेकर किस तरीके से अलग अलग uh, मतलब अलग सोच के अलग कुछ कहना चाहते हैं ये वाले सिंह को देखकर क्या याद आ रहा है आपको इस पिक्चर को देखकर ये तो दिल दीवाना बिन सजना के गाना था तो वही जो मैंने कहा कि उस वक्त वाकई बिन सजना के हो रहा था तो जो बोट का सीक्वेंस था तो बस सलमान वही पूछ रहे थे कि अच्छा आप हिमालय जी से कैसे मिले क्या किया क्योंकि सारे मॉन्टाजोज में थे तो हम लोगों का अलग ट्रैक चल रहा था उस वक्त मुझे क्यों क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रेजेंट नहीं दे सकता दोस्त लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं तो क्या दोस्त तो होता है जिसे मिलने को जी चाहे बात करने को जी चाहे देखते लगे दैट्स माय फ्रेंड फ्रेंड की कैप देखकर ये याद आया कि उस वक्त फ्रेंड की कैप खाली फ्रेंड्स को देते थे आजकल फ्रेंड की कैप देखकर कुछ रिश्तों की शुरुआत होती है जैसे पहले दोस्ती और फिर आगे सो आई थिंक फ्रेंड्स की कैप uh, एक कॉन्वर्सेशन uh, स्टार्टर uh, yeah. हो गया है एक uh, एक दूसरे से मिलकर कुछ आगे रिश्ता बढ़ाने का जरिया हो गया है आई थिंक इट्स जस्ट लाइक दोस्ती से आगे बढ़े तो फ्रेंड्स की कैप दो <laughs> <laughs> इसको देख कर क्या याद आ रहा है आपको माई गॉड हम लोग इतना हंसे थे आई थिंक दिस वॉज दी ओनली सिक्वेंस रेप सीक्वेंस था मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था और ना ही मुनीष जी ने किया था और हम लोग दोनों इतने ऑकवर्ड थे और इतना हंस रहे थे कि अच्छा अब तुम्हारा हाथ किधर जाएगा मेरा हाथ किधर जाएगा मैं क्या बोलूँगा और तुम हंसो नहीं तुम मुँह इस तरफ करो तो इट वॉज़ मोर लाइक कोरियोग्राफी हो रही थी वहाँ पर और uh, आई थिंक इस सीन के तुरंत बाद नूतन जी आई थी सेट पर तो मैं उनको पहली बार मिली थी तो सेट पे जो हुआ वो तो हुआ ही ऑफ़ कोर्स शॉट के दौरान हम लोग दोनों बहुत सीरियसली सीरियसली रेप सीन कर रहे थे बट आई थिंक वड आई रिमेंबर्ड कि नूतन जी से मेरी पहली मुलाकात हुई उस वक्त और बहुत ही अच्छा लगा था मोनिशी कैसे हुआ करते थे सेट पे उस वक्त बहुत ही सीरियस पर, हुआ करते बहुत थे बहुत मतलब जितना मस्ती सलमान करते थे yeah. उसके बिल्कुल ऑपोजिट थे मतलब वेरी क्वाइट वेरी सोबर, बहुत ही कैलकुलेटेड टॉकिंग एकदम सीधे साधे बहुत प्यारे थे <laughs> इसको देखकर क्या याद आया आपको सुमन तुम जानती हो माँ मेरे बारे में क्या कहती है क्या कि जहां पे भी लड़का जाता है तो उस पर है है। में, में। तुम, तुम, तुम्हारी बातें उन सब से जुदा है पता नहीं क्यों तुम जानती हो कुछ बोलोगी नहीं सुमन प्रेम हाँ तुम आगे खोल सकते हो क्यों क्या हुआ कुछ नहीं आ, <laughs> तो ये ये सीन जब सुनाया गया था मुझे और मतलब जब शूटिंग नहीं शुरू हुई थी जब मैंने मैंने प्यार किया के लिए हाँ नहीं कहा था जब सूरज जी घर आए थे तब ये सीन के बारे में मुझे सुनाया गया था और एक्चुअली एंकल पे नहीं घुटनों पे लगाना था आयोडेक्स और मैंने कहा घुटने पे कैसे लगाएंगे मैं तो मनी स्कर्ट पहनूंगी नहीं <laughs> नहीं मैं आपकी पिक्चर नहीं कर सकती <laughs> तो एक ये भी था <laughs> जिससे सूरज जी को वापस जाना पड़ा आफ्टर नरेटिंग द स्टोरी टू मी बट जब ये सीन हुआ तब uh, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई एंकल पे आयोडेक्स लगा रहा था वो भी आंख बंद करके क्या इंसान था <laughs> <laughs> इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अब आप खयाल है आपका तुम तो गए यूं ही फिसल कह अंताक्षरी अंताक्षरी में तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया था पर इसकी शूटिंग के दौरान आ, मुझे बहुत तेज़ बुखार था पूरे अंताक्षरी के तय तो कम से कम 103 बुखार में हम शूटिंग कर रहे थे और सूरज जी बार बार मुझे पूछते कि शूटिंग रोके पर इतना बड़ा सेट था और मैं जानती हूँ कि एक प्रोड्यूसर के लिए जब सेट पे काम नहीं होता रुक जाता है तब कितना नुकसान होता है तो आई रिफ्यूज टू कैंसिल एनी शूटिंग और uh, एक सौ तीन बुखार होने के बावजूद पूरी अंताक्षरी हम लोगों ने शूटिंग की oh. so, yeah, that's what I remember. इसके बारे में क्या अब तूने मेरी बेटी को यहाँ रख कर मुझ पर एहसान किया क्या यही नाम रह गया दोस्ती के रिश्ते का नहीं किशन मैं तुझसे एहसान नहीं लूंगा दाम चुकाऊंगा मैं तेरे इस फाइव स्टार होटल का चाहे तूने मेरी बेटी को रखा उसे खिलाया उसे पिलाया बोल क्या है के बोर्डिंग पांच हजार दस हजार बीस हजार पचास हजार बोल किशन कुमार चौधरी बोल बहुत रोई थी मैं क्योंकि ऑनेस्टली ये एक Uh, एक ऐसा ही सीन था मेरी एक्चुअल लाइफ में जहाँ पर uh, मुझे लगा कि मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा एंड इट वुड बी विथ माई ओन फैमिली तो एक्चुअली उस वक्त बहुत ज़्यादा uh, रोना आ रहा था सीन के दौरान भी और ऐसे सोच के भी कि भाई जब एक लड़की अपना घर छोड़ के चली जाती है तब उसके मन में या उसके हाव भाव कैसे होते हैं तो बस वो फीलिंग थी ये आपका गाना बोलो न क्यों ये चांद सितारे, तक है यूं को तुम्हारे छूके बदन को रात है क्यों बहकी बहकी मेरे सवाल का जवाब दो, दो आप विश्वास करोगे इस गाने के दौरान मेरी आंखें रुकी नहीं आई वज क्राइंग ऑल द टाइम क्योंकि ये गाने के शूटिंग के दौरान मेरे घर में सबसे ज़्यादा टेंशन था हिमालय जी को लेकर और इस गाने के दौरान सलमान वॉज़ रियली सपोर्टिव क्योंकि था पूरा का पूरा रोमांटिक गाना और इतना टेंशन था घर के अंदर तो आप was... परेशान है लेकिन यहाँ पर आप एक्ट कर रही हैं जी सो इफ इज एक्टिंग टू दू क्योंकि इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि पर बहुत टेंशन में थी मैं आ, इस गाने के दौरान और सलमान मुझे बार बार ये आ, बता रहे थे कि भाई डोंट वरी थिंग्स विल बी ऑल राइट हिम्मत रखो सब चीज़ ठीक हो जाएगी तुम चाहो तो मैं आके मम्मी पापा से बात करता हूँ बट या बट इतना इतना कुछ लाइफ में हो रहा था तो पर्सनली आपके लिए कितना इमोशनल रहा है, इस जर्नी को जी पाना और वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर कैसे दिखती हैं आप जैसे मैंने कहा कि मैंने प्यार किया काफी उतार चढ़ाव देखे आपने लाइफ में मैं ये सोचती हूँ कि मैंने प्यार किया के दौरान जब शूटिंग चल रही थी तब uh, मुझे वाकई नहीं समझ में आया कि मैं सुमन हूँ या सुमन मैं uh, मुझ में ढल गई सो इट वॉज एक्चुअली लाइक दैट बिकॉज जो 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 सुमन के साथ हो रहा था वो उस वक्त मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी हो रहा था तो आई थिंक इसलिए वो कैरेक्टर में बहुत वो नज़र आता है या वो फीलिंग्स नज़र आती है क्योंकि आई कनेक्टेड विद सुमन कनेक्टिविटी बहुत थी आप दोनों में बहुत <laughs> इसको इस पर क्या कहेंगी आप संघर्ष संघर्ष मेरा संगर्ष नहीं है। बहुत गर्मी थी बहुत ज्यादा गर्मी थी क्वारी के अंदर शूटिंग कर रहे थे हम एंड या इट वाज जस्ट वेरी हॉट कहे तो से सजना का गाना है <laughs> जाऊं जाऊं मैं गाना बहुत ही बहुत ही उम्दा और बहुत सुंदर तरीके से गाया गया आई थिंक दिस व फर्स्ट टाइम बहुत हीवी uh, वॉइस होने के बावजूद इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि उस वक्त uh, लता जी का दौर चल रहा था जहाँ बहुत बारीकी या uh, सुरीली आवाज़ को ही

कल ही नहीं लगेगा करना मुझ पर एक आसानी करते यार दिस वाज व्हेन आई थिंक ऊटी का कुछ लास्ट दिनों में हम लोगों ने ये शूटिंग की और uh, एक महीना साथ में रहने के बाद uh, पूरा यूनिट एक परिवार जैसे था तो uh, इसके बाद आई थिंक रात को हम लोगों ने सब मिलकर एक पार्टी की थी सब लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया था एंड या वी जस्ट मिस टीच अदर्स कंपनी सोचा था हाँ बम्बई जाके सब लोग वापस मिलेंगे न जाने कब वापस शूटिंग शुरू हो जाएगी सो so, आज ये पूरी बातचीत में कितने याद आए आपको वो दिन आप लोग कभी मुझे भूलने देते हैं मतलब तीस साल हो गए बहुत मुश्किल है तीस साल के yeah. बाद रिमेम्बर करना कि उस वक्त उस दिन क्या हुआ आपको था सब कुछ याद है नहीं सब कुछ तो नहीं लेकिन uh, आप सबने कभी भूलने नहीं दिया और आ, हाँ मैंने प्यार किया का दौर इतना प्यारा था मेरे लिए कि आ, मैं भूलना ही नहीं चाहती उसे थैंक यू सो मच भाग्यश्री हमें बहुत अच्छा लगा बात and and like, आपको भी बहुत अच्छा लगा बात करके थैंक यू सो मच विशिंग राजेश्पी सेवेंटी फिफ्थ बर्थडेट मीन्स अम जुबली मैं यही विश करूँगी और सोचूंगी कि आप हमेशा जैसे पारिवारिक फिल्म्स बनाते गए वैसे बनाते जाइए और पूरा परिवार लेकर इंडिया के सारे सदस्य थिएटर्स में जाए एक बार फिर कोविड के बाद आप लोगों की पिक्चर देखें